आज हमारी परिषद को एक वर्ष कंप्लीट हो गया है, इसके लिए भी मैं अपने समस्त नगरवासियों की आभारी हूँ, उन्हें बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, अपनी पूरी परिषद का, अपने पार्षद भाई बहनों का, जिनके सहयोग से आज हमारा यह एक वर्ष सफलतम गुजरा, और मीडिया के भी इन सभी बंधुओं को, मेरे भाइयों को, जिनके सहयोग से आज हम अपने कार्यों का अवलोकन कर पाते हैं और वो हमें सही और गलत जो भी हम करते हैं उसकी बराबर से जानकारी देते हैं। क्योंकि प्रशंसा के साथ साथ नकारात्मकता भी जरूरी है, उसके द्वारा ही हमें अपनी खामियों का पता चलता है और हम ये जान पाते हैं कि हमें शहर के विकास के लिए या और अच्छे काम करने के लिए किन बातों को अपनी जीवन शैली में उतारना है। हमारे विधायक माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के अथक प्रयासों से लगातार बालाघाट शहर में, बालाघाट जिले में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है, जहां नगरवासियों के प्रयासों से, उनके सहयोग से हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगी, आह्वान करूंगी, उनसे सहयोग की अपील करूंगी कि आने वाले समय में भी वे हमें फिर से सेवा करने का मौका प्रदान करें। अगर हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पुनः स्थापित होती है तो नगर विकास के हर कार्यों में और तेजी आएगी। जहाँ तक नगर पालिका चुनाव की बात अगर हम करते हैं, तो हमारे माननीय विधायक ने जब मेरा वार्ड नंबर 25 में नुक्कड़ सभा ली गई थी और वहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय विधायक जी ने ये कहा था कि अगर हमने सरेखा ओवरब्रिज का काम चालू नहीं करवाया विधानसभा चुनाव के पहले, तो मैं या मेरा कोई भी कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने नहीं आएगा। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और आज आप देख रहे हैं कि सरेखा ओवरब्रिज का काम बहुत तेजी के साथ चालू है। जहां कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण ये काम अभी थोड़ा सा ढीला इसलिए पड़ा है क्योंकि पाइपलाइन शिफ्टिंग का जो इसमें काम होना है उसमें कहीं दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मूर्ति को भी वहाँ से उठाकर अलग स्थापित कर दिया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं की जा रही है, ये काम पूरा तेजी से चालू है। बड़े नालों के निर्माण के लिए 28 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 36 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें बड़े नालों का निर्माण किया जाएगा और जो नाले जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उनके पुनर्स्थापना, उनकी पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा समता तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है वार्ड नंबर 14 में, और विशेष निधि से हमारे वार्डों में जो काम किए गए हमारी परिषद के कार्यकाल में, मैं उसमें आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि विशेष निधि से जब 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी उसमें हमारे माननीय विधायक जी ने किसी भी प्रकार की दलगत भावना को ध्यान में ना रखते हुए काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वार्ड कांग्रेसी है या भाजपा प्रत्याशी का है, उन वार्डों में भी ज़्यादा से ज़्यादा राशि के कार्य किए गए, जैसे वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 1, 2, इन सभी वार्डों में, और इसके अलावा 33, 32, 6, 4 इन सब में, और वार्ड नंबर 4 में तो खासकर जो देवटोला के लोगों की एक बड़ी, बहुत पुरानी समय से उनकी मांग चली आ रही थी कि नहर पे घाट बनाया जाए, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ घाट का निर्माण हो गया है और आने वाले समय में जब तीज त्यौहार में लोगों को सुविधा होगी तो ये इसके लिए माननीय विधायक जी को हम बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे परिषद के कार्यकाल में गौरव पथ का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया, सुदृढ़ीकरण किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि अंबेडकर चौक से भाजपा कार्यालय के सामने से लेके मोती गार्डन के सामने से लेके सैन चौक तक और फिर नर्मदा नगर में राधा कृष्णन चौक तक, ऐसा उस पूरे गौरव पथ का सुदृढ़ीकरण किया गया है। और वन स्टॉप सेंटर के सामने जो जल भराव की स्थिति होती थी वहाँ पे एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा, आपने देखा होगा, और आने वाले समय में मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी सुविधाजनक वहाँ पे काम हो रहा है जिससे कि जल भराव की स्थिति अब पैदा नहीं होगी। और नल जल योजना जो लगभग 38 करोड़ की जो योजना प्रारंभ की गई थी उसमें जो भी खामियाँ थी, जो कमियाँ थी उनको दूर करके हमने
इसमें काम करवाया प्रॉपर। थोड़ा सा कुछ परेशानियों का सामना नगरवासियों को अवश्य करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जहाँ हम देखेंगे कि इसमें 7,000 नल जो खुले हुए थे उनको बंद करने का कार्य किया गया, लेकिन अभी भी 2,000 समथिंग नल खुले हैं, जिसके लिए मैं आह्वान करूंगी अपने नगरवासियों से कि अगर हमको अपने आस पड़ोस में कोई नल खुला दिखता है तो हम उसकी जानकारी नगरपालिका को दें, और अगर हमारे स्तर पे हम उन्हें बंद कर सकते हैं तो कृपया उन्हें हम इसलिए ये सोचकर बंद करें, क्योंकि अगर एक नल खुला बहता है तो जाहिर सी बात है कि बाजू वाले के घर में फोर्स की समस्या आएगी। और इसके अलावा लगभग 10,500 नल अभी अच्छी हालत में चालू है और इससे लोगों को काफ़ी अच्छे स्तर में जल प्राप्त हो रहा है। कायाकल्प 2 में कायाकल्प 1 से ज़्यादा रोडे हैं, लगभग 15-20 रोड हैं इसमें जो स्वीकृत हुई हैं। सीसी रोड दोनों मिला जी, इसमें सीसी रोड ज़्यादा हैं कायाकल्प 2 में। तो ये सारे काम अभी जैसे ही हमें लगता है कि 2-4 दिन का गैप मिला है, बारिश नहीं हो रही है, काम चालू कर दिए जाएंगे। शहरी अधोसंरचना केंद्र की जो योजना है इसके तहत हमें जो राशि स्वीकृत हुई है उसमें घाटों का सौंदर्यीकरण लिया गया है, जिसमें हमारे जागपुर घाट, शंकर घाट, बजरंग घाट। और इसमें जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शहरी अधोसंरचना व्यवस्था जो हमारा योजना है इसमें गोंदिया रोड का हमने सौंदर्यीकरण लिया है। इसमें गोंदिया रोड का रेनोवेशन और साइड वॉक बनाया जाएगा, गट्टू लगाकर लैंप्स वाले जो पोल हैं वो लगाए जाएंगे और इसको एक सुंदर लुक दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी एक प्रवेश द्वार कहलाता है हमारे शहर का जब हम गोंदिया साउथ की तरफ से आते हैं तो। और मुख्यमंत्री अधोसंरचना जिसमें हमें 5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, इसमें लगभग सारे वार्ड हमारे शहर के, कुछ 1-2 वार्ड ही छूटे हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। तो इसमें रोड के भी काम है, नाली के भी काम है, और इन वार्डों में अगर कोई उद्यान आता है तो उसका सौंदर्यीकरण भी इसमें लिया गया है। अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि 16 नई गाड़ियों के लिए जो हमने प्रस्ताव रखा था वो स्वीकृत हुआ है। तो जल्द ही 16 नई गाड़ियाँ हमारी आ जाएंगी, जिसमें कचरा वाहन भी है, एक मड पंप है, एक फायर की गाड़ी है, और इनकी खरीदी स्वीकृत कर ली गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें अभी जितने भी DPR तैयार हो रहे हैं उनमें कल ही, जैसे अभी हम देखेंगे तो 3 करोड़ की राशि डली है, जिनके नाम रुके हुए थे चाहे वो किसी भी किस्त के लिए हो, तो ऐसे अलग अलग DPR में वो राशि डल के और उनके नाम जो थे अंकित उन पे वो राशि डाल दी गई है। AHP साइड में हमारे जो आवास योजना के जो फ्लैट बन के तैयार हुए हैं उनमें EWS, LIG, MIG इन पर हमारा कार्य तेजी से चल रहा है। समय समय पे बाहर से हमारे इंजीनियर्स भी आते हैं इसका निरीक्षण करने के लिए, इनकी खामियों को भी देखते हैं और क्या अच्छा हम कर सकते हैं इसकी वो हमें जानकारी भी दे के जाते हैं, क्योंकि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी परिषद जब से बैठी है और जब से कोई भी हम निर्माण कार्य कर रहे हैं तो हमारे पार्षद, चाहे वो किसी भी वार्ड में काम होता है या मैं स्वयं भी जाके उस जगह पे, चाहे वो नाली का काम चलता है या रोड का, तो मैं ज़रूर अपने पार्षद भाई बहनों के साथ वहाँ जाके उसका निरीक्षण करती हूँ, अवलोकन करती हूँ, और उस वार्ड के वासियों से भी ये बात कहकर आती हूँ कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आपके आस पड़ोस में वार्ड में कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो आप प्रॉपर इसमें अपनी मॉनिटरिंग बनाए रखें, और आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है तो कृपया आप इसकी जानकारी हमें दीजिए। किसी भी प्रकार से गुणवत्ता के साथ समझौता अगर किया जा रहा है तो इस बात के लिए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। हनुमान चौक जो कि एक बड़ी गंभीर समस्या है, इसे मैं भी मानती हूँ और ये इसे हमने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मैं अपने नगरवासियों को बताना चाहूँगी
कि बहुत जल्द हमारा काम तो उस समय से ही हमने चालू कर दिया था जब से हमारी परिषद बैठी है हनुमान चौक पे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए और मैं मानती हूँ कि इससे हमारे सभी नागरिक बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं को परेशानी होती आ रही है। लेकिन मेरा मानना है और ये चीज़ शायद आप भी स्वीकार करेंगे कि जो पानी हर वर्ष 2-3 घंटे में, 1.5-2 घंटे का समय लेता था छटने में, इस वर्ष वो पानी जल्दी छटा है। उसका कारण ये है कि जब 2-3 जगह से वो पानी डाइवर्ट होता है और जो नाले सुव्यवस्थित बना दिए गए हैं बालाघाट के चारों तरफ से, तो वहाँ जाके ये पानी मिल जाता था। क्योंकि इस बार स्वच्छता अभियान जो चलाया गया, हमारे विधायक माननीय गौरीशंकर बिसेन जी भी स्वयं इसका निरीक्षण करने आते थे, इस स्वच्छता अभियान में हमारे सहयोगी बनते थे। तो मेरा मानना है कि इस वर्ष जल भराव तो हुआ हनुमान चौक में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जल भराव समाप्त हो गया है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में वो जल भराव की स्थिति इस वर्ष कम थी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हम इस विषय को लेके इतने प्रयत्नशील हैं, इतने जागरूक हैं और हम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। जल्दी से जल्द इस समस्या को हम मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि तरेखा ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है और वहाँ से जो एक बड़ा नाला जो लिया गया है, जो शंकर पशु आहार के सामने से होकर जाएगा, उस पर भी काम किया जाएगा। और जब इसे 2-3 तरफ से डाइवर्ट किया जाएगा, जैसे MLB वाले रास्ते से और मुंजारे जी के घर के सामने से, जब 2-3 जगह इसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा, तो हम जानते हैं कि ये पानी में भराव की स्थिति हनुमान चौक में नहीं होगी।